नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ अभय विशाल। बिहार में मौसम का रंग बदल रहा है, यहाँ अचानक से ठंड बढ़ गई है। वास्तव में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर दो दिनों तक बारिश होने के कारण यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। अब इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली सर्द हवाओं की वजह से राजधानी पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से कम रिकॉर्ड किया गया है। ठंड बढ़ने के साथ ही अब दिन में निकलने वाली धूप की तपीस भी कम हो गई है। इस कारण लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में गर्म और सर्द वाला मौसम बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। 10 नवंबर तक बिहार के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। बीते बुधवार को बिहार में सबसे सर्द वाला दिन रहा। बुधवार को पटना का तापमान अधिकतम 30.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए नजर डालते हैं बिहार के सभी हिस्सों में 5 नवंबर से 9 नवंबर तक क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस हिस्से में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर मध्य बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर जिले आते हैं। उत्तर पूर्वी बिहार के हिस्सों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस हिस्से में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी हिस्से में अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा जिला आता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले आते हैं। इन जिलों में भी मौसम शुष्क रहेगा। वहीं इस हिस्से में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दक्षिण मध्य बिहार में भी मौसम शुष्क रहेगा। वहीं इस हिस्से में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस हिस्से में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा जिले आते हैं। वहीं दक्षिण पूर्व हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई जिले आते हैं। इन जिलों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पूर्व हिस्से में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आने वाले दिनों में मौसम के अनुरूप खुद को तैयार रखने में आपके काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।